अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कपड़ा और रिबन दोनों की हेल्प से फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 2.5 इंच का रिबन कट कर लिया है। इस तरह के मैंने 5 रिबन कट करके रेडी कर लिए हैं। साइड्स में इसकी थोड़ी सी हीट कर दूंगी और इसी तरह कपड़े को भी मैं साइड से हीट कर दूंगी। अब मैं इसके बाद इसको हीट करने के बाद इसका सेंटर बना लूंगी। ऐसे इसका सेंटर रख लेंगे हम। थोड़ा सा इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है यूं। और अब मैं इसको यूं करके सेंटर बना लूं। ये अब इसके बीच में मैंने ये वाला कपड़े का पीस ऐड कर देना। बस आप देख लें कि ये रिबन का पीस सीधा हो। सीधा करके मैंने रिबन ऐड कर देना है और इस तरह इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। अब मैंने सुई में मैंने धागा डाल के रखा हुआ है। आप जो है वो सेंटर छोड़ के, जो मैंने ये सेंटर की एक लाइन में बना ली है, इसको छोड़कर अब हम इसको थोड़ा सा सुई से हम निशान लगाते जाएंगे। थोड़ा सा सेंटर छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना। ये मैंने बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रखा है। अब मैंने सेंटर छोड़कर, ये सेंटर है, सेंटर लाइन है, इसको थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि सेंटर हमने कट करना है, तो ये आप जहन में रखकर बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लाइन लगा दें। अगर आपसे एक कपड़ा बैलेंस नहीं हो रहा तो आप इसको पिन लगा लें। मेरे से तो ये बैलेंस आराम से हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह कर दिया। अब मैंने सेंटर छोड़ के और ये कच्चे टांके से इसको ये पूरा यहाँ तक स्टिच कर लिया। अब मैं दोबारा, मैंने सुई में धागा डाल लिया है और अब मैं इसको दोबारा से करूँगी। आप भी इसी तरह रिपीट करेंगे, लेकिन बीच में जो सेंटर है वो, जो मैंने आपको इस तरह करके मार्क करा था, वो हमने छोड़ना है। आप इसको इस्त्री से भी प्रेस करके बना सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक बने, ना इधर हो ना उधर हो। अब मैं इसको इसी तरह दोबारा दूसरी लाइन जो है वो बना लूँ। अब मैंने देखे इस तरह से इसको दोनों लाइंस लगा दी। सेंटर इसका बिल्कुल परमानेंट नज़र आ रहा है। अब मैं इसका सेंटर जो है वो दोनों धागों का ध्यान रख के, क्योंकि ये धागे जो हैं वो मैंने नॉट वाली साइड से पकड़ के खींचने, तो उससे पहले मैं इसको यूँ कट कर लूँगी। ऐसे इस तरह अब मैंने इसको कट कर लिया। करने के बाद इस तरह से धागे को मैं सारे को एक जगह करके नॉट लगा लूंगी। इसको आप जितना अच्छे से जेंटली चुनते डालेंगे ये उतना ही प्यारा होगा। ऐसे मैचिंग कलर जो है वो फैब्रिक का, अगर आपके पास कोई पर्ल है तो आप वो यूज़ करें, या कोई बीड वगैरह, नहीं तो आप बटन यूज़ कर लें। कुछ भी अब हम इसके सेंटर में ऐड कर देंगे। पहले मैं इसको सिक्योर कर लूँ नॉट लगा के। इस तरह से मैं इसको दो दफ़ा टाई करूँगी, 1 और ये 2। ये देखें इस तरह से ये बन के रेडी है। वैसे तो मैंने इसके सारे कॉर्नर जला दिए थे, लेकिन जब कट करने के बाद अगर कोई नज़र आता है तो इस तरह आप उसको फ्लेम दे दें। और अब मैं इसके अंदर सेंटर में इसके ये पर्ल ऐड कर रही हूँ। मेरे चैनल पे पोटली बटन की भी वीडियो है, अगर आप मैचिंग में बिल्कुल उसी तरह का बनाना चाहते हैं तो आप उसी वक्त, और इसके लिए जो हम बटन बनाएंगे वो आप रफ ट्रैश जो कटिंग कपड़े होते हैं उससे बना लें। उससे ये होगा कि बेशक, क्योंकि वो इतना फाइन ना भी हो तो ये सेंटर में चला जाता है, पता नहीं चलता, तो आपको बीट की या किसी और ऐसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। ये देखें, ये फ्लावर का फाइनल लुक है। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।